25 सितंबर 2019, थाना सिरसौन, गांव भावखेड़ी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। दो चचेरे भाई बहन, 10 साल का छोटा बहुत प्यारा सा बच्चा अविनाश और 12 साल की उसकी प्यारी सी बहन रोशनी, दोनों अपने पिता के घर से, घर क्या एक नाम मात की झोंपड़ी जो उसने सड़क के किनारे जो पेड़ हैं वो काट के बनाई, उस पे भी वहाँ जो गांव के लोग हैं उनको एतराज़ हो गया कि ये पेड़ क्यों काटा, और उसको सीधे सीधे धमकी उसके उन दोनों बच्चे के पिता को कि गांव में रहना है तो ढंग से रह। पानी वो जब मिलता था उसे पीने से, सरकारी जो हैंडपंप है नल है, जब सारा गांव पानी भर लेता था उसके बाद उसे पानी मिलता था। पानी पे भी झगड़ा, उसकी लड़की जब पानी यानी जो उसकी भतीजी है जब वो पानी भरने गई गांव में, तो छोटी सी 12 साल की बच्ची, तो उसको मारा और उसको धमकाया और उसको बड़े बदतमीज और अभद्र व्यवहार से बोला 12 साल की बच्ची के साथ। ये जो मानसिकता है और जो ये स्थिति है ये बड़ी अजीब सी और गंभीर सी है, क्योंकि दोनों ही लोग भारतीय हैं, दोनों की ही सामाजिक स्थिति सबसे ऊपर वाली नहीं है। जो धमकाने वाला है उसकी सामाजिक स्थिति मध्यम दर्जे की है, और जो धमकने वाला है जिसको गाली पड़ रही हैं वो सबसे नीचे के दर्जे में सामाजिक स्थिति में डाला गया है, अपनी मर्जी से नहीं आया, वैसे तो वो सामाजिक स्थिति में सबसे ऊपर है। दो बातें यहाँ साफ हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाने का प्रावधान आया। पहला तो ये है कि आप जो ये वीडियो देखेंगे, अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। केड़ी गांव में एक बाल्मीक समाज के दो बच्चों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है, आप देख सकते हैं। ये मृत बच्चों के पिताजी बैठे हुए हैं, आपकी क्या राय है अंकल, आप बोल सकते हैं आप कोई रंजिश थी आपकी? कोई रंजिश नहीं थी, एक साल पहले की रंजिश थी, थोड़ी गाय ग्रोसर हो गई थी बस। फिर उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में जो हुआ था कि आज सुबह रही मुड़ी गए उधर दुकान तरफ का, जे बाबा गेल में मारा लट्टों से, दो चार बार और आया था मेरे पास बंदूक ले लेके, 150 रुपए में काम करेगा नहीं तुझे मार डालूंगा, रहना वो तो हिसाब से रहे। बंदूक पहले धमकी भी दे चुके हैं आपको? बंदूक की धमकी देते हैं, और सरपंच है, सरपंच के लाइफ में ये काम हुआ है साहब, गांव का सरपंच है उसका ही भैया, उसकी लाइफ में काम हुआ है, और बोलो उसकी लाइफ में काम हुआ है सरपंच की लाइफ में ये। और पहले भी बच्चों को हड़काया धमकाया जाता था क्या? पहले कोई धमकाया नहीं जाता था बच्चे का, एक दिन जरूर लड़की पानी भरने गई, लड़की जी बोला था कुआ मताब टांग पकड़ा पछड़ दूंगा कोई, भेदभाव किया गया है और जातिवाद भी आप देख सकते हैं भावखेड़ी गांव में। पिताजी हैं और ये बेटी के पिताजी, आप बोल सकते बोलो, आपसे कुछ बोला था क्या पहले से? पहले धमकी दी थी ऐसी, धमकी दी थी ऐसी, और क्या हुआ था? मोड़ी उठा ले जाऊंगा, मोड़ी मार दूंगा, इतना मोड़ी मार दूंगा। फिर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था? नहीं, छोटी मोटी बात है, मैंने खा वो, छोटी मोटी बात इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपने अपने बच्चे खो दिए। इस वीडियो के अंदर जो रोशनी के चाचा और जो अविनाश के पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा एक साल पहले झगड़ा हुआ, गाली गलौच हुई है, यानी कि गाली गलौच दोनों तरफ से हुई हैं और एक साल इस बात को हो गया है, 150 रुपए में काम करना है तो कर, 150 रुपए में काम करवाना चाहते हैं गांव के लोग। और जो ये वीडियो है इसमें ये बात साफ है, जो रोशनी के पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि मोड़ी है उठा के ले जाऊंगा, यानी जो लड़की है उसको उठा के ले जाऊंगा, बाद में किसी के कहने पर उन्होंने कहा कि मार दूंगा, ऐसा कहा। दूसरी एक स्टेटमेंट जो अखबार में है इसको आप देखिए ध्यान से, इसमें अरेस्ट होने के बाद में जो अभियुक्त है, जो एक्यूज है,
वो कहता है कि राक्षसों का सर्वनाश करने का भगवान से आदेश आया है और मैं सभी राक्षसों का सर्वनाश करूंगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठी और साफ साफ दिखाई देती है, कोई छोटा बच्चा भी इसको जान जाएगा, क्योंकि अगर राक्षसों का सर्वनाश करने का आदेश भगवान ने दिया है तो भगवान स्वयं ही राक्षसों का सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वो किसी दोयम दर्जे के आदमी से क्यों कहेंगे कि आप भगवान मैं कहता हूं कि आप इनका सबका सर्वनाश कर दें या उसका सर्वनाश करें या ना करें। यानी भगवान को किसी का सर्वनाश करने के लिए किसी को आज्ञा देने की जरूरत नहीं है। भगवान अगर हैं तो सर्वशक्तिमान हैं, जैसी आस्था और जैसी मान्यता है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी मनुष्य को कुछ कहने के लिए उन्हें जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट झूठी है। दूसरा ये है कि अगर कोई सपना आया या मानसिक स्थिति खराब है या कुछ है, जैसा कि बताया जाता है कि वो एक नाटक है ताकि सजा से बच सके, तो क्या जो राक्षस हैं वो छोटे छोटे बच्चों में दिखाई दिए? अगर राक्षसों का सर्वनाश करना था तो बड़े राक्षस का सर्वनाश करना था, अपने साइज के राक्षस का सर्वनाश करना था, पूरे देश में जितने हैं निंदा। तो दूसरी स्टेटमेंट राक्षस वाली तो बिल्कुल झूठी है। वैसे भी राक्षस वाला जो वीडियो है मैंने बनाया है, उसमें बताया है कि राक्षस लोग भारत के मूल निवासी हैं, जो रक्षा करने वाले लोग हैं, और ये भारत के पैतृक लोग हैं और इन्हीं का दावा पूरे भारत पे बनता है। मगर जो पहली वाली स्टेटमेंट है, जो उसमें कहा जा रहा है कि 5,500 रुपये पे काम करना पड़ेगा और हिसाब से काम कर, यानी कि ये जो रहना है तो हिसाब से रहे और 150 में काम करना, नहीं तो मार डालूंगा, यानी 150 में काम करना हो तो कर, नहीं तो मार डालूंगा, और रहना हो तो हिसाब से रहे। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जाति जो भारत के अंदर चलती है, या जाति का जो सिस्टम हायरार्की है, वो जाति का सिस्टम तभी तक काम करेगा जब आप एक जाति दूसरे का शोषण करती रहेगी। यहाँ जो ये जो शोषण करने वाला है, इसका भी शोषण हो रहा है, ये भी किसी का शोषित है और ये खुद शोषण कर रहा है। यानी ये तो बीच की कड़ी है, इसके ऊपर की कड़ियाँ और भी है, और ये सबसे नीचे की कड़ी में है जो ये अविनाश और रोशनी के पिता हैं। तो 150 में काम कराने का झगड़ा है कि खेत में काम करना है तो 150 में काम कर। आप अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो अविनाश के पिता के पास में कोई संपत्ति नहीं है, मिट्टी इकट्ठी करके एक दीवारें हैं जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, और ऊपर से एक पेड़ों की छाल है, और ऊपर से एक पन्नी डाली हुई है, 2-3 बर्तन हैं, फटे पुराने से कपड़े हैं, बच्चे बहुत खूबसूरत हैं मगर कोई पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है, अक्षर ज्ञान का दूर दूर तक पता नहीं है, सड़क के किनारे ऐसी ज़मीन पे जो सरकारी ज़मीन हो सकती है या गांव की हो सकती है या ऐसी पड़ी हो सकती है, उस पर वो झोंपड़ी बनी हुई है, ज़मीन का भी कहीं अता पता नहीं है और अकेला वो घर है। ऐसे में बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि जहां सुरक्षा ना हो और जहां रोजगार ना हो और जहां इज्जत ना हो, वो जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। कोई संपत्ति है तो उसे बेच देना चाहिए, कोई घर मकान है तो उसे छोड़ देना चाहिए, कोई खेत खलिहान है तो उसको बेच देना चाहिए, मगर सुरक्षा नहीं है, इज्जत नहीं है, पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये रोशनी और ये जो शिक्षा है, ये जो जानकारी है, ये बीच में रुक गई। शुरू में जब बाबा साहब जगह जगह जाके प्रचार करते थे, उस समय जिन जिन लोगों ने इस बात को समझा और जो लोग शहरों में आ गए, वो लोग सुरक्षित भी हो गए और उनके बच्चे पढ़ भी गए, आगे वो काम भी कर रहे हैं, कुछ के बच्चे विदेशों में भी जा चुके हैं और बाकी मल्टीनेशनल कंपनियों में टक्कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि बाकी लोगों में उनके इंटेलिजेंसिया से उनके वर्क से उनकी ईमानदारी से दहशत होने लगी है। अगर ये लोग ऐसे ही काम करते रहे तो जो चोर उचक्के लोग हैं उनकी पत्ता कट जाएगा, उनको कोई काम नहीं देगा। तो ये बात तय थी कि वहाँ तक उस व्यक्ति तक कोई रोशनी नहीं पहुँची, ये जानकारी वहाँ तक पहुँच जाती। अच्छा है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो इस जानकारी को फैलाएं जो बाबा साहब ने कहा है कि जहाँ अकेला है, जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ सुरक्षा नहीं है, जहाँ पैसा नहीं है, जहाँ कमाई नहीं है और जहाँ शोषण है, जहाँ खतरा है, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो जाति की जो मानसिकता है, वो जाति की मानसिकता जो इसको शिकार है और जो शिकार कर रहा है, उन दोनों को ही पता नहीं है। इस केस में जो ये दो लोग हैं, ये बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं,
जैसा कि फोटो में दिखाया जा रहा है, कोई ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे बच्चे हैं, और ये लोग जाति के शिकार लोग हैं, यानी कि ये बीच में जाति में आते हैं, ऊपर वाले लोग इनका शोषण करते हैं और ये नीचे वाले लोगों का जाति में शोषण करते हैं, जैसी मानसिकता है। मगर यहाँ रोशनी के पिता ने और यहाँ जो ये बच्चा है अविनाश है उसके पिता ने अपना शोषण कराने से मना कर दिया। उन्होंने 5,000 रुपये पे काम करने के लिए साफ मना कर दिया। बंदूक की धमकियां भी उनके पास आई, मगर उन्होंने इसको छोटी मोटी बात समझ के छोड़ दिया, क्योंकि स्वाभिमान बहुत कूट कूट के पुराना भरा हुआ है। ये स्वाभिमान ही है जो जिंदा रखे हुए है। मगर थोड़ी सी समझदारी से अगर स्वाभिमान में मिला दिया जाए तो तरक्की बहुत आसान है। स्वाभिमान बहुत अच्छा होता है, मगर जहाँ सुरक्षा नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ हेल्थ नहीं है, जहाँ खाना नहीं है, उस जगह को छोड़ना स्वाभिमान को और ज़्यादा बढ़ा देगा और आपकी ज़िंदगी को आगे कर देगा। 150 रुपये में उनको मजदूर आप अवेलेबल हैं, उस गांव में रहते हैं, तो उनकी उम्मीद है कि जाति की वजह से आप उनका काम करें, क्योंकि वो भी जाति की वजह से किसी का काम कर रहे हैं, किसी के पैरों में पड़े रहते हैं जो उनसे ऊपर की जाति वाले लोग हैं। जब वो उनकी बात को आंख बंद करके मानते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को नीचे की जाति वाला आंख बंद करके माने, और जब नीचे की जाति वाला आंख बंद करके नहीं मानता तो वो आंख में क्रिकरी बनता है, तब उनको धमकियां, थ्रेट और यहाँ तक कि हत्या मर्डर भी करने पड़ते हैं जाति के वर्चस्व के कारण, जो उनके मन में बचपन से भरा गया है। तो जो कसूरवार है वो जाति का भरने वाला है, जिसने ये बात भरी कि मुझे राक्षसों का सर्वनाश करना है। उसने ये नहीं बताया कि राक्षस तो यही लोग हैं, मानने वाले भी और मरने वाले दोनों, क्योंकि राक्षस का मतलब रक्षा करने वाले लोग होते हैं, जो भारत के रक्षा करने वाले लोग हैं। ये जानकारी कौन देगा? जो उनको मरवा रहा है, जो उनको लड़वा रहा है, वो तो कभी नहीं देगा। इसलिए जो मार रहा है उसको पता नहीं है, इसलिए जो मर रहा है उनको बहुत तेज़ी से ये जानकारी पूरे देश में फैलानी चाहिए कि क्या स्थिति है भारत की, किसको राक्षस कहते हैं, किसको दैत्य कहते हैं, किसको दानव कहते हैं, पुराने लोग कौन हैं, नए लोग कौन हैं, ये जो जाति के बीच वाले सिस्टम है ये लोग कौन हैं, जाति के ऊपर के सिस्टम के कौन हैं, नीचे के कौन हैं। इससे देश में भाईचारा बढ़ेगा और देश बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। जब जानकारी हो जाएगी और जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई किसी के बच्चे को मारे, लठ से मारे या गाली से बके या बेइज्जती से करे, तो लोगों की ऊर्जा और एनर्जी वहाँ से बच जाएगी। अब हजारों सामाजिक संगठन इसमें आक्रोश करेंगे, आक्रोश करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आक्रोश नहीं करेंगे तो घटनाएँ बढ़ेंगी। उस व्यक्ति को जो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है या जो इस हरकत में आ चुका है या जो किसी का शिकार होके जिसने ये हरकत की है, उसने अपना परिवार तो पूरा ख़त्म किया ही है। मारने वाले कभी चैन से नहीं बैठेंगे। और बुद्ध का तो एक प्रत्यक्ष सिद्धांत है कि अगर आप कोई कत्ल करके आते हैं किसी मनुष्य का, तो आपके घर में भी आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप कत्ल करके आते हैं तो घर वाले भी आपसे डरेंगे, आपके बच्चे भी आपसे डरेंगे, घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। कत्ल करने वाले को घर में, मोहल्ले में कोई पसंद नहीं करता। इसलिए जिन्होंने ये मारा है उनकी ज़िंदगी तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, उनके परिवारों से लोग घृणा करेंगे, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बाकी जो वकील, कोर्ट, कचहरी है, वो सब मौज उड़ाएंगे, उनकी जेबें भरेंगे, वो अलग। खेत खलिहान बिक जाएंगे, वो अलग। मिलना मिलाना कुछ नहीं है, नुकसान पूरे देश का हो गया और मूल निवासियों का ख़ास तौर से नुकसान हो गया। इसलिए जानकारी फैला के इसको रोकिए, उसको दंड मिलना चाहिए जिसने अनजाने में या जानकर या मानसिक बीमारी से या जाति के कारण या अज्ञानता के कारण ये जो अपराध है वो किया है, क्योंकि अपराध की सजा अगर नहीं मिलेगी तो अपराध बढ़ जाएगा। मगर इस बात के लिए भी सामाजिक संगठनों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी के, देश के तमाम लोगों को, पूरे देश को एक प्रचार प्रसार करना चाहिए कि जाति का जो सिस्टम है वो सिस्टम ठीक नहीं है, इससे भाईचारा ख़त्म होता है, हम दुनिया में बहुत कमज़ोर हो गए हैं, पूरी दुनिया हमें गुलाम बनाने पर लगी हुई है सिर्फ इसी कारण से। मुट्ठी भर लोग बाहर से आते हैं और यहाँ के जो लोग हैं, चूँकि वो पहले से ही दबे कुचले होते हैं, इसलिए वो कोई रिपेल नहीं कर पाते, कोई प्रतिरोध नहीं कर पाते, उनके मन मरे हुए होते हैं। हम दुनिया में टक्कर नहीं ले पाएंगे, इसलिए दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। पहला तो जो अपराध है, अपराध जिसने किया है उसको अंजाम तक पहुँचाना है, और दूसरा कि अपराध ना हो, सब लोगों में भाई चारा बना रहे, तो जानकारी बहुत तेज़ी से फैलानी है कि कैसे जाति काम करती है, उस जाति को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इसको ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत से लगना चाहिए, क्योंकि जाति मानसिक रोग है, मन से चलती है,
माइंड से चलती है, जाति कहीं फिजिकल नहीं होती है। धन्यवाद।